दोस्तों iPhone 13 लॉन्च हो चुका है जिसकी शुरुआती कीमत है 79,900 और लगभग इसी कीमत पर एक साल पहले iPhone 12 भी लॉन्च किया गया था। ऐसे में इन दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करना बनता है। कंपेयर करके मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि iPhone 13 iPhone 12 से कितना ज़्यादा अपग्रेडेड है और अगर अभी कोई iPhone 12 यूज़ कर रहा है तो उसको iPhone 13 पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम चौधरी, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। तो iPhone 13 का जो प्राइस है 128 GB का, वो है 79,900। लेकिन iPhone 12 जब लॉन्च हुआ था उसका इनिशियल मॉडल था 64 GB का और उसका प्राइस भी सेम था। हालांकि iPhone 12 को अगर आप 128 GB में लेते हैं तो तब इसकी कीमत हो जाती है 84,900, यानी कि 5,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। 5,000 रुपये इनिशियल प्राइस जो है वो iPhone 13 का सस्ता है, तो यहां पर प्राइस के मामले में iPhone 13 ऑलरेडी आगे निकल जाता है। दोस्तों अब डिजाइन की बात करते हैं, तो डिजाइन में ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम है, डायमेंशंस भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर वेट की बात करें तो iPhone 12 164 ग्राम का है तो iPhone 13 174 ग्राम का है। दोनों में यानी कि 10 ग्राम का डिफरेंस है। iPhone 13 10 ग्राम भारी है iPhone 12 से, लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम से ज़्यादा आपको यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी हम कहेंगे कि वेट के मामले में यहाँ पर iPhone 12 जो है वो हल्का है। और इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में जो डिफरेंस है वो आता है कैमरा मॉड्यूल का। आप देखेंगे जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें iPhone 13 में आपको डायगनल जो प्लेसमेंट मिलेगी दोनों कैमरास की, तो वहीं iPhone 12 में वर्टिकल प्लेसमेंट दी गई है। अगर डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो iPhone 12 और 13 में सेम टाइप की डिस्प्ले है, स्क्रीन साइज भी सेम है। दोनों स्मार्टफोन में 6.1 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है और ये सुपर रेटिना XDR OLED टाइप पैनल है। अगर हम यहाँ पर बात करें कोटिंग की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स पर आपको सिरेमिक कोटिंग दी गई है। ब्राइटनेस की बात करते हैं अब दोस्तों, iPhone 12 में जो आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है वो 625 निट्स की है और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है। वहीं iPhone 13 में टिपिकल ब्राइटनेस 800 निट्स की है और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है, विच मीन्स आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ब्राइटनेस के मामले में यहाँ पर iPhone 13 को थोड़े से एक्स्ट्रा निट्स मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो iPhone 12 में जहां A14 बायोनिक चिपसेट मिलता है, तो वहीं iPhone 13 में A15 बायोनिक चिपसेट दिया जा रहा है, विच मीन्स आपको iPhone 13 से यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। OS की बात की जाए तो iPhone 12 में जहां पर बाय डिफॉल्ट iOS 14.1 आता है, तो वहीं iPhone 13 में बाय डिफॉल्ट iOS 15 मिलने वाला है दोस्तों। इसके अलावा ग्राफिकल परफॉर्मेंस के लिए दोनों ही iPhones में यहां पर 4 core GPU दिया गया है। स्टोरेज की बात की जाए तो iPhone 12 तीन स्टोरेज ऑप्शंस में आता है, 64 GB, 128 GB एंड 256 GB। तो वहीं iPhone 13 जो है वो भी तीन स्टोरेज ऑप्शंस में ही आता है, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा मिलती है। iPhone 13 में आपको 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है, 256 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा 512 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। रैम की बात की जाए तो वैसे तो एप्पल कभी भी आईफोन की रैम को डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट पर जो क्लेम्ड है और मेंशनड है उसके अकॉर्डिंग आईफोन 12 में 4 GB रैम मिलती है, तो वहीं आईफोन 13 में 6 GB रैम दी गई है। तो यहाँ पर भी आप साफ देख सकते हैं कि स्टोरेज के मामले में भी iPhone 13 यहाँ पर आगे नजर आता है। कैमरा की बात की जाए तो iPhone 12 और iPhone 13 दोनों में ही रियर साइड पर डुअल कैम सेटअप दिया गया है। दोनों कैमरास 12-12 मेगापिक्सल के हैं। पहला वाइड लेंस है विद f1.6 अपर्चर, तो दूसरा अल्ट्रा वाइड लेंस है विद f2.4 अपर्चर। मैक्सिमम वीडियो आप 4K के बना पाएंगे विद 60 FPS। इसके अलावा iPhone 13 में सिनेमेटिक मोड मिलता है जो कि iPhone 12 में नहीं है। सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर भी दोनों iPhones में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है विद f2.2 अपर्चर। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों ही iPhones में आपको 5G कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा LTE कनेक्टिविटी भी दोनों में दी गई है। अगर हम बैटरी की बात करें तो Apple ने वैसे तो दोनों की बैटरी कैपेसिटी को उजागर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर बताया है कि iPhone 13 की जो बैटरी है वो iPhone 12 के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा चलती है। तो फाइनली कलर ऑप्शंस की बात की जाए दोस्तों, तो iPhone 12 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जिसमें ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर शामिल है। तो वहीं iPhone 13 जो है वो 5 कलर ऑप्शंस में आता है, जिसमें स्टारलाइट है, मिडनाइट है, ब्लू है, पिंक है और प्रोडक्ट रेड कलर है। तो दोस्तों ये थे iPhone 12 और iPhone 13 दोनों के स्पेक्स पर नज़र डालकर, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक iPhone 12 या iPhone 13 नहीं लिया है और इन दोनों ही iPhones में से कोई एक लेने का मन बना रहे हैं, तो मैं आपको iPhone 13 ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप iPhone 12 के 128 GB वाले वेरियंट के लिए जाएंगे और iPhone 13 के 128 GB वाले वेरियंट की कीमत देखेंगे तो उनमें आपको कोई खासा अंतर नज़र नहीं आएगा। तो क्यों ना नया मॉडल लिया जाए, क्योंकि यहां पर एप्पल भी ऐसा दावा कर रहा है कि कई सारी चीजों में
iPhone 12 से बहुत ज़्यादा एडवांस है। हालांकि स्पेक्स पर तो हमें ऐसा नहीं लगा है। दोनों स्मार्टफोन्स जब हमारे पास होंगे उनका ऑन टेबल कंपैरिजन हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए देखते रहे 91 मोबाइल्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।